हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डज यूएस इज प्लानिंग टू अटैक चाइना। क्या यूएस जो है वो प्लान करने जा रहा है चाइना को अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक का रीजन है वहां पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो बेसिस है और जो मतलब यूएस अपने मिलिट्री को रेडी करके रख रहा है, ड्रिल्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहा है। तो चाइना, जैसा कि आपको पता होगा, उनका भी बयान आता है कि 2025 तक वो ताइवान को ले लेंगे। ताइवान जो है वो आप देखेंगे 90% जो सेमीकंडक्टर्स है वो ताइवान से ही होता है। तो ताइवान आज एक इंडिपेंडेंट है लेकिन वो अपना पार्ट बता रहे हैं और साथ साथ में वो बोल रहे हैं कि वो इन्वेड कर लेंगे, जिसको लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न है। सेमीकंडक्टर डील से भारत जो है आप देखेंगे फॉक्सकॉन वेदांता बाहर हो चुके हैं। तो हमारा बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन है कि हम ताइवान से मतलब डील ग्रैब करके हम इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या इस चीज को हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, और यूएसए और चाइना के बीच में ये जो वॉर है वो किस प्रकार से इंपैक्ट करेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी है चाइना। और अगर यूएसए और चाइना दो बड़े सुपर पावर्स अगर एक साथ लड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो हैवॉक क्रिएट होगा पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड में, जहां रशिया यूक्रेन ऑलरेडी लड़ रहे हैं, जहां रशिया इवन नेटो की भी बात कर रहा है। तो हर तरीके से आप देखेंगे उथल पुथल पूरे वर्ल्ड में मचा हुआ है। तो इसी चीज को हम समझते हैं, आइए इस वीडियो के फॉर्म में चलिए। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली चाइना और ताइवान जो है आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बीच में ताइवान स्ट्रेट है। तो ये ताइवान स्ट्रेट में ही आप देखेंगे ये काफी ज्यादा जो मिलिट्री बेसिस जो है बहुत ज्यादा चाइना अपना बना रहा है, साथ साथ में कोशिश मतलब ये कर रहे हैं वो कि जल्द से जल्द वो ताइवान को ले सके और अपना पार्ट वो बना सके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस से इस चीज को लेकर के रेडी हो रहा है, क्योंकि वो मिलिट्री बेसिस अपना तैयार कर रहा है ईस्ट एशिया में। और ईस्ट एशिया में आप देखेंगे तो यूएस के अलाइज हैं साउथ कोरिया, जहां पे उनका बेसिस और सोल्जर्स आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ। उसी के साथ साथ में आप जापान में देखेंगे तो भी उनका बेसिस और सोल्जर्स का स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। बाकी भी सारे आप देखेंगे कैम्बोडिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, गुआम है। तो ये आप देखेंगे गुआम में भी काफी ज्यादा यूएस के सोल्जर्स जो है वो तैनात है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी मिलिटरीली जो है वो स्ट्रांग है, रेडी है बैटल के लिए। लेकिन चाइना, आपको पता है कि चाइना अपने आप में एक सुपर पावर है और चाइना बहुत ही ज्यादा मिलिटरीली भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और क्योंकि भारत इसका पड़ोसी है तो इस वजह से हम ये भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो होगा बैटल आप देखेंगे, ये जो ग्राउंड है वो पैसिफिक जो रीजन है इसी के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये अगेन क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि ये कब तक चीजें जो है वो सेटल होंगी नहीं होंगी, क्योंकि आप देखेंगे यूएसए ने अपने आप में कहा था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है पीआरसी, वो ही इकलौता कॉम्पिटिटर है इंटरनेशनल ऑर्डर में, जो कि बढ़ रहा है उसका इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिटरी और टेक्नोलॉजिकल पावर। तो यूएसए ने साफ साफ ये माना है कि बीजिंग ही ऐसा है जो उनको टक्कर दे सकता है और बीजिंग ही ऐसा है जो दुनिया के लिए थ्रेट बन सकता है। तो जब यूएसए ऑफिशियली इस चीज को कह रहा है, ये उनका मतलब कोई ऐसा मजाक की बात नहीं है, ये उनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उसमें ये पब्लिश करा गया अक्टूबर 2022 में। तो जब यूएसए ऑफिशियली इस चीज को एडमिट कर रहा है यानी कि चाइना वाकई एक थ्रेट बन चुका है, तो ये कितना बड़ा थ्रेट है इस चीज को भी हम देखते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे अब यूएसए के पास में दो ही प्लान्स हैं कि वो चाइना को कर्टेल कर सकते हैं। पहला जो है वो है आर्मिंग अलाइज, उसके जो भी अलाइज हैं जैसे हमने देखा साउथ कोरिया, जापान, तो वो जो अलाइज है उनको वो एक साथ लेकर के आए। साथ साथ में दूसरा जो है कि बूस्ट करना अपने एक्सेस को मिलिट्री बेसिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री बेसिस को एक्वायर करना, क्योंकि आप चाइना को देखेंगे तो चाइना वैसे भी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारे जो प्रोजेक्ट वो बना रहा है इसी वजह से वो बना रहा है। आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है कि कहीं ना कहीं उसका जो बेसिस है बहुत ज्यादा हो, तो वो अगेन चाइना को भी आप हल्के में आंक नहीं सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा इशी गाकी आइलैंड्स, जो कि जापान में लोकेटेड है। ये जो आइलैंड है यहाँ पे जापान जो है वो भी अपने 500 से ज्यादा सोल्जर्स को तैयार करके रखा है वॉरफेयर के लिए, उनको ट्रेनिंग और काफी मतलब तरीकों से उनको वो रेडी कर रहे हैं। ऑल्दो आप देखेंगे जापान का अपना खुद का आर्मी नहीं है जस्ट बिकॉज उनका कॉन्स्टिट्यूशन वो डिनाई करता है, लेकिन ये आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इशी गाकी आइलैंड्स जो है जापान का। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे योनागुनी आइलैंड्स जापान का, तो यहां पर भी वो अगेन एक मिलिट्री नेवल बेस जो है वो रेडी किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे अमामी ओशिमा आइलैंड्स जापान का, तो जापान जो है ऑल्दो ये आइलैंड नेशन ही है, ये आइलैंड्स का इस्तेमाल यूएसए कर सकता है ताकि वो चाइना को डेटर कर सके। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो ये जापान का ही न्यूज है जहां आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एसडीएफ बेस बिगिंस ऑन अनइनहैबिटेड मगेशिमा आइलैंड। ये जो मगेशिमा आइलैंड है ये अनइनहैबिटेड है और यहाँ पर आप देखोगे तो एक मिलिट्री बेस अगेन बनाया जा रहा है। और ये जो मगेशिमा आइलैंड है ये बिल्कुल ताइवान के पास में है। तो क्या जापान का हेल्प लेकर के यूएसए जो है वो अपने आप को वॉरफेयर के लिए रेडी कर रहा है, और एशिया पैसिफिक जो रीजन है जिसको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, तो क्या इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में आप देख सकते हैं कि बैटल ग्राउंड जो है वो बन रहा है।
ये मगेशिमा आइलैंड आप देख सकते हैं जापान का तस्वीर में गूगल अर्थ से, और मगेशिमा आइलैंड पे प्रॉपर वो एक्सप्लोसिव्स डिपॉट बना रहे हैं, कंट्रोल टावर सेटअप करेंगे और रनवेज भी होंगे, किस तरीके से रनवेज का वो इस्तेमाल कर सकेंगे और कंट्रोल टावर से वो सिग्नल वगैरह को मैनेज करेंगे और एक्सप्लोसिव्स के लिए भी वो डिपॉट वगैरह बना रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी रेडी है वॉर का। तो ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें सिर्फ कागज में नहीं है, उस चीज को जमीनी स्तर पर भी लाया जा रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको मगेशिमा आइलैंड्स देखने को मिल जाएगा, ताइवान आप देख सकते हैं, और ये ईस्ट चाइना सी, चाइना इससे पास में, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं इस वजह से बताया जा रहा है। इसीलिए चाइना को भी लगता है कि यूएस से हमारे बहुत ज्यादा पास आ चुका है और चाइना को ये बर्दाश्त नहीं है, और इस वजह से चाइना जो है वो भी चिढ़ा हुआ है और चाइना अपने प्रतिक्रिया के लिए रेस्पॉन्ड कर रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे न्यू अमेरिकन बेस भी आपको देखने को मिल जाएगा फिलीपींस में, तो वो सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अभी वो फिलीपींस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ल्यूजॉन है यहाँ पर, ये ताइवान के पास में ये तीन बेसेस बना रहे हैं, फिर पलावान जो है वहां पर भी एक बेस है जो कि साउथ चाइना सी में है। अगेन साउथ चाइना सी आपको देखने को मिल जाएगा, ये वो रीजन है जहां पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगेन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक कंसर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स होते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा छोटे जो आशिया नेशंस हैं जैसे कि वियतनाम हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, ये नेशंस जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्लेम करते हैं कुछ आइलैंड्स को, जैसे कि आप देखोगे कहीं ना कहीं 9-9 के बीच में जो आइलैंड्स हैं, पारासेल आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स, स्कारबोरोफ शोल, तो वहां पर अगेन चाइना जो क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी चाइना के नाम पे है, तो साउथ चाइना सी हमारा है। अब ऐसे अगर देखा जाए तब तो इंडियन ओशन भारत के नाम पे है, तब तो पूरा का पूरा इंडियन ओशन भारत का ही है, तो ठीक है चाइनीज ने ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उनको ये भी बताना चाहिए। तो इस वजह से आप देखेंगे कि नए अमेरिकन बेसिस जो है वो फिलीपींस में अमेरिका जो है वो रेडी कर रहा है, और ल्यूजॉन जो है ल्यूजॉन के पास में एक स्ट्रेट भी है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे तीन बेसिस बनाए जा रहे हैं जो कि ताइवान के पास में है, और ये कुल मिलाकर के अमेरिका का वॉल ऑफ डिफेंस जो चाइना के खिलाफ है ये तैयार किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉल ऑफ डिफेंस जो चाइना के खिलाफ का है, इस प्रकार से कुछ दिखता है तस्वीर। जापान से आप देखेंगे ताइवान कनेक्ट होते हुए किस प्रकार से ये मतलब पूरा का पूरा बेसिस को बना रहे हैं और ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रेडी कर सके चाइना को काउंटर करने के लिए, और साथ साथ में ताइवान को एक प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अगेन जैसे चाइना ने इनिशियली भी आपने देखा होगा कि जब जब वो अपने वेपन्स का यूज कर लेते हैं हड़पने के लिए जमीनों को, तो यहाँ पे ताइवान को वो कर पाने में कितना ज्यादा कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे सब कंट्रीज को इकट्ठा होना होगा ताकि ताइवान का जो अपने आप में फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, वो हो सके, वरना चाइना बहुत आराम से ताइवान को ले सकता है। तो इस वजह से यूएस इस चीज को लेकर के कंसर्न है, क्योंकि ताइवान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बताए वीडियो के कि सेमीकंडक्टर, जिससे आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत में वो डील जो है वो कैंसिल हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, जहां आपने देखा था कि लैपटॉप्स का दाम जो है वो 1,00,000 से इवन आपको देखने को मिल जाएगा कि 30,000 से 40,000 में भी आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है कि ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, वरना वो चाइना के कंट्रोल में हो जाएगा। तो आज मेजोरिटी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो चाइना ही उस पर रूल करता है, तो ताइवान भी उसका पार्ट हो जाएगा, तो अगेन चाइना के लिए तो वो विन विन सिचुएशन होगा। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे हम देख सकते हैं ये सारे नेशंस, जहां पे आप यूएस से देख सकते हैं, बाकी चाइना आपने देख ही लिया है, भारत आपको देखने को मिल जाएगा। और जब भी इस प्रकार से घटनाएं होंगी, भारत क्योंकि क्वाड का सदस्य है, क्वाड में आप देखोगे तो क्वाड का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, और जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ है, ताकि वो काउंटर कर सके चाइना को। और जब यूएस से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में होगा चाइना को, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनके अलाइंस में जापान भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी पिक्चर में होगा, तो भारत से भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखी जाएगी। हालांकि जैसा कि हम हमेशा, भारत और चाइना के बीच में पंचशील प्रिंसिपल भी साइन हुआ था 1962 में कि हम एक दूसरे के टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो हुआ 1965 में आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हो जाती है, फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 62 में भी इंडो चाइना वॉर, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार से चाइना तो हमेशा से छल कपट करता आया है। और इसी के साथ साथ में ये हमारे वीडियो से सिर्फ इतना ही कि कहीं ना कहीं अब आगे जो भी अपडेट होगा हम उसको अगले टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये अपडेट था, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।